महासचिव वैभव गहलोत का मानना है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम जो कुछ भी रहे हों, लेकिन जनता ने उन्हें वोट दिए हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी पूरा साथ दिया, तो उनकी भी क्षेत्र के विकास कराने की जिम्मेदारी बनती है और इसके लिए क्षेत्र के विकास को लेकर प्रदेश के बजट से पहले भी मंथन हुआ है। और वैभव गहलोत ने कहा कि सरकार के बजट में जिस तरह से जोधपुर को यातायात की समस्या से निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड रोड मिले, ये एक सबसे खास बात है। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव गौड़ ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव वैभव गहलोत से खास बातचीत की। इन दिनों न तो कोई चुनाव है और न ही कोई कांग्रेस के बड़े आयोजन, बावजूद उसके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव वैभव गहलोत लगातार जोधपुर के गांव गांव ढाणी ढाणी और शहरी इलाके में सक्रिय हैं और कह ये रहे हैं कि वो जनता का धन्यवाद जता रहे हैं। हालांकि चुनाव के बाद बीच में गैप हो गया है और लेकिन सामने नगर निगम चुनाव भी, लेकिन खुद से जानते हैं वैभव गहलोत से कि आखिर इसके पीछे क्या मंशा है। आप गाँव जा रहे हैं, ढाणी जा रहे हैं, कांग्रेसियों से मिल रहे हैं, जनता से भी मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आए 23 मई को, उसके बाद आप जानते हैं जून में विधानसभा चालू हो गई थी 27 तारीख को, तो हमारे जो विधायक थे वो सब उसमें व्यस्त हो गए थे विधानसभा के सत्र में। इस वजह से ये दौरा, अब ये विधानसभा का सत्र ख़त्म हुआ है तब हमने ये दौरा इस तरीके से बनाया है कि जो हर ब्लॉक में विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे 2 ब्लॉक रहते हैं उसमें हम जाके तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम लोगों को जिन्होंने इस चुनाव में मेरे साथ कड़ी मेहनत की है, परिश्रम किया है, उनको धन्यवाद देने का एक प्रोग्राम रखा है। तो मैं नहीं मानता कि इसमें कोई विलंब हुआ है, केवल विधानसभा सत्र चला, ये लंबा सत्र था, इस वजह से आने में ये तारीखें तय हुई। लेकिन ये तो मान के चलें कि ये संस्कारों की बात है कि आप उन विधायकों के बिना भी जा सकते हैं, लेकिन आप विधायकों को साथ लेके जा रहे हैं, ये आपके संस्कारों की बात है। निश्चित तौर पर अगर क्षेत्र के विधायक हैं कांग्रेस के और वो जयपुर में विधानसभा में व्यस्त हों और मैं उनके क्षेत्र में दौरा करूँ, वो ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, तो उनको साथ लेके ही हमें ये दौरे करने थे। आज भी आपने देखा होगा कि दोनों विधायक यहाँ पे आए, लूनी के विधायक माननीय बिश्नोई साहब और कृष्णा राम जी लोहावट के विधायक, और दोनों ने मुझसे उसी बारे में चर्चा की कि उनके क्षेत्र में दौरा किस तरीके से अब आगे रखना है, तो उनको सबको साथ लेके चलने की कोशिश में ये तारीखें तय हुई। लेकिन सुना कि आपने बजट को लेकर के भी विजन प्लान किया, सरकार को भी अपनी बात रखी है, उसमें काफ़ी कुछ मांगे मान ली गई हैं, आगे किस तरह का उसका उसकी पालना को लेकर के आपकी कोशिश रहेगी? मैंने पहले भी चुनाव में भी कहा था कि जोधपुर के साथ जिस तरीके से पिछली भाजपा सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है, मगर जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार है और हम निश्चित तौर पर जोधपुर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बजट में भी आपने देखे होंगे जो घोषणाएं हुई हैं जोधपुर के लिए, शहर के लिए अगर माने तो हम एलिवेटेड रोड का इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट आएगा यहाँ पर जोधपुर शहर में, जो इतनी बड़ी समस्या है, यहाँ से महामंदिर से अखलिया चौराहे तक जो एलिवेटेड रोड बनेगी उससे ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या हल होगी। चाहे ग्रामीण इलाके में हम लोहाट में देखें, एसडीएम कार्यालय का घोषणा की गई है कांग्रेस के इस बजट में, और आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार जोधपुर के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कहीं ना कहीं इन सब दौरों के पीछे ये तो नहीं कि निकाय चुनाव आने वाले, आप एक्टिव हो गए पहले से ही और भाजपा को चारों खाना चित करना चाहते हैं? मैं ग्रामीण इलाके में भी जा रहा हूँ, चाहे आज शेरगढ़ का दौरा हो, पहले 4 दिन पहले फलोदी का दौरा था, तो नगर निगम चुनाव जोधपुर में भी होंगे, निकाय चुनाव भी होंगे, मगर हम पूरे क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहर हो, और इससे निश्चित तौर पर पार्टी को मजबूती के लिए हम संदेश दे रहे हैं कि हम सब संगठित होकर एकजुट होकर पुनः कांग्रेस पार्टी को वापस कैसे स्थापित किया जाए उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक परिपक्व, एक प्रखर राजनीतिज्ञ की तरह अब वैभव गहलोत बोलने लगे। साफ तौर पे वो कहते हैं कि निकाय चुनाव तो है ही, लेकिन जनता के बीच में जाना, कांग्रेस के बीच में जाना, उनको धन्यवाद देना, विधायकों को साथ देकर के जाना, इसके पीछे मंशा एक ही कि जनता ने, हार जीत परिणाम कुछ भी हो, लेकिन जनता ने कोशिश की, कांग्रेस ने कोशिश तो की। उसके साथ ही जिस तरह से बजट पर उन्होंने रिव्यू किया है और कुछ मांगे रखी, कुछ मांगे मान ली गई है, और उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कमी नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा जनता के बीच में रहेंगे। अगर कहीं ना कहीं जनता के बीच में रहने की जो मंशा है उससे कहीं ना कहीं जनता इसलिए भी खुश है कि अब रास्ते में सरकार कांग्रेस की है और यहां से जिस तरीके से प्रतिनिधित्व के रूप में वैभव गहलोत कोशिश कर रहे, तो निश्चित जोधपुर को बहुत कुछ मिलने वाला है। स्वर्गीय भवानी सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।